चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है प्रोटीन्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हम प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोटीन्स, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। द हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच यील्ड अमाइनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। ये वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जब इनको हाइड्रोलाइसिस इनका किया जाए, यानी कि इनको इनमें जो वाटर है उसको ब्रेक डाउन किया जाए, तो हमारे पास ये क्या देते हैं, ये अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने हैं, तो जब उनका हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो वो ऑब्वियसली हमें अमाइनो एसिड्स ही देंगे। और इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा होता है प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी था। तो ये प्रोटीन की आपके पास डेफिनेशन है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रोटीन्स की टाइप्स की तरफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हमारे पास है सिंपल प्रोटीन्स, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स में सबसे पहले सिंपल प्रोटीन्स की भी हमारे पास डेफिनेशन आएगी। तो सिंपल प्रोटीन्स हमारे पास कौन से प्रोटीन्स हैं? द टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये वो वाले प्रोटीन्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में ना सिर्फ अमाइनो एसिड ही प्रेजेंट होते हैं, और जब इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो ये अमाइनो एसिड्स को ही सिर्फ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें हमारे पास एग्जांपल्स अब आ जाती हैं। एग्जांपल्स हैं हमारे पास कोलेजन की, ठीक है, जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। उसके बाद इलास्टिन, ये भी हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है जो स्किन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इलास्टिसिटी देता है। केराटिन जो हमारे हेयर में होता है, हमारे नेल्स में होता है, ठीक है। और हमारे पास लैक्टोग्लोब्यूलिन जो हमारे मसल्स में होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जब इनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए। इनकी हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास ना ये क्या होते हैं, ये दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट इनकी क्या प्रॉपर्टी है, दे आर नॉट कोग्यूलेटेड बाय हीट, जब इनको हीट किया जाता है तो इनमें कोई कोग्यूलेशन नहीं होती, यानी ये आपस में ज्वाइन नहीं होते, ठीक है, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता हीट का। और नेक्स्ट इनकी क्या प्रॉपर्टी है, दे आर हाईली बेसिक, ये हाईली बेसिक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ना सिंपल प्रोटीन्स की डेफिनेशन आ गई, उनकी एग्जांपल्स आ गई और उनकी प्रॉपर्टीज आ गई। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन्स की, जो कि हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। बल्कि डिराइव्ड नहीं, हम सेकेंड की बात करते हैं पहले, जो कि हमारे पास हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स।
सेकेंड हमारे पास है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है, जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन आ जाती है, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है वो क्या होते हैं, द टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच आर कॉन्जुगेटेड विद अ नॉन प्रोटीन ग्रुप, ठीक है। ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो नॉन प्रोटीन ग्रुप के साथ कॉन्जुगेट या अटैच हुए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी नॉन प्रोटीन जो ग्रुप है उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहते हैं हम। तो ऐसे प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। अब इनकी हमारे पास एग्जांपल्स जो है उनमें हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे हमारे पास ना फॉस्फो प्रोटीन्स है, ठीक है, तो उनमें फॉस्फो प्रोटीन्स आर कॉन्जुगेटेड बाय कॉन्जुगेटेड विद फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फो प्रोटीन्स जो है उनमें कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, लाइपोप्रोटीन्स आर कॉन्जुगेटेड विद लिपिड्स, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड जो प्रोटीन्स हैं उनमें हमारे पास ना कोई भी नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो प्रोटीन के साथ अटैच होता है, इसीलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक तो हमारे पास इसकी यही प्रॉपर्टी है कि इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट इज प्रेजेंट इन देयर स्ट्रक्चर। और सेकंड इसमें क्या इनकी प्रॉपर्टी है, दे आर वाटर सॉल्युबल, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है ना, तो इसलिए वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो ये भी इसीलिए वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की जो है प्रॉपर्टीज आ गई और उसकी एग्जांपल्स आ गई। नेक्स्ट अब हम थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन की बात कर लेते हैं, जो कि है डिराइव्ड प्रोटीन्स। Derived proteins, definition आ जाती है derived proteins की। अब derived proteins वो वाले proteins होते हैं जो simple और conjugated proteins से मिलके बने हो, ठीक है, तो ये derived proteins है, उनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा जो derived हुए हुए हैं, ठीक है। The type of proteins which are derived from simple and conjugated proteins, ठीक है। तो ये वो proteins होते हैं जो पहली दो types से derive हुए हों, इनकी हमारे पास examples आ जाती हैं, जैसे कि हमारे पास एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो डिराइव्ड प्रोटीन्स में आते हैं, हार्मोन्स हैं हमारे पास, ठीक है, डिराइव्ड प्रोटीन्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास डिराइव्ड प्रोटीन की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती है, अब
अब जो डिराइव्ड प्रोटीन्स हैं वो क्या है, दे आर वाटर सॉल्युबल, ये भी वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, दे आर कोग्यूलेटेड बाय हीट, ये हीट से कोग्यूलेट होते हैं, यानी हीट इन पे अफेक्ट करती है. नेक्स्ट हमारे पास है दे आर प्रेसिपिटेटेड, इनको हम प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग अमोनियम सल्फेट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट यूज करके, ठीक है, हम इन्हें प्रेसिपिटेट भी कर सकते हैं. मैं आपको इसी तरह लिख देती हूँ, अमोनियम सल्फेट. ठीक है, तो ये हमारे पास ना टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आ गए. टाइप्स ऑफ प्रोटीन तीन तरह की होती हैं, सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और डिराइव्ड प्रोटीन. नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ठीक है, नंबर वन हमारे पास है प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास ना डेफिनेशन आ जाती है, द स्ट्रक्चर formed by joining of units in polypeptide chain. अगर हमारे पास ना polypeptide chain में amino acids जो हैं वो attach हो जाए आपस में, तो उस वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर. जैसे कि हमारे पास ये इस तरह की एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और उसमें हमारे पास ना इस तरह बीड्स की फॉर्म में अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हुए हुए हैं, तो ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा. यानी कि अगर एक अमाइनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, उसे हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं. ठीक है, सेकेंड हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन्स का, अगर हमने ना इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ना बहुत ज्यादा ना कॉइल कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय रिकॉइलिंग एंड zigzagging ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, वो किस तरह होगा, अब हमने ना इस तरह zigzag फॉर्म में ना शीट्स बनाई हुई है. ठीक है, इस तरह ना शीट की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, शीट्स की फॉर्म में भी हो सकता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इस तरह भी हो सकता है. ठीक है, यानी अगर हम ना इसको थोड़ा सा ऐसे बस राउंड कर दें, इस तरह कॉइल करके हमने एक छोटी सी पॉलीपेप्टाइड चेन को ना आपस में कॉइल कर दिया है, तो ये हमारा क्या है, कॉइल की फॉर्म में, तो ये भी हमारा क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो कॉइलिंग और फोल्डिंग से बनता है. ठीक है, यानी अगर हम एक पॉली ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन लेके हम उसे ना फोल्ड कर दें या हम उसे रिकॉइल कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाएगा. या अगर हम आपको मैं एक एग्जांपल अगर सिंपल सी दूं, जैसे हम बेडशीट को फोल्ड नहीं करते, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो भी हमारा क्या होता है, प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है वो आ जाते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर.
टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, कि अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना उसको हम मजीद क्या करते हैं, उसकी फोल्डिंग करते हैं। तो द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस तरह कर दें, ये वाली हमारी एक चेन है, इसको हमने इसके साथ कॉइल कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स को हमने थ्री डायमेंशनल उनको फोल्ड कर दिया, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर। फोर्थ हमारे पास आ जाता है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास क्या होता है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग प्रोटीन सब यूनिट्स, यानी बहुत सारे प्रोटीन्स को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें तो वो क्या बनता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है साइज में, क्योंकि हम टर्शरी स्ट्रक्चर तक तो क्या कर रहे हैं, चेन्स को फोल्ड कर रहे हैं ना, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में हम प्रोटीन के सब यूनिट्स को आपस में जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का साइज जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना क्या है, अब मैं इधर बना भी देती हूँ, ये भी हमारे पास ना इस तरह का ही स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि कॉइल हुआ हुआ एक 3D स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होगा, हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास ना स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, कि हमारे पास ना प्रोटीन जो है वो किस तरह अरेंजमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स की। अब हमारे पास ना प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म करता है। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म आपको पता है हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो प्रोटीन्स हैं वो फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, जो एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के वो भी प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स आपको पता है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, हमारे हार्मोन्स जो हैं बॉडी के वो भी प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल जो है वो क्यों होती है, फॉस्फोलिपिड्स की वजह से होती है। ठीक है, तो हमारे पास ना प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, प्रोटीन हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मसल्स में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, और हमारी स्किन में भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे हमारे जो ऑर्गन्स हैं बॉडी ऑर्गन्स, उनमें भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जो कि बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रोटीन्स हमारे पास ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी जो है एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डीनेचुरेशन। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का क्या मतलब होता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब होता है कि हमारे पास जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है ना वो डीकम्पोज हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया है, और उसमें ना कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे कि हीट। ठीक है, पीएच भी अगर चेंज हो जाए तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपने एंजाइम्स पढ़े होंगे, एंजाइम्स में अगर हम पीएच एंजाइम की चेंज कर दें तो क्या होता है, एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि वो भी एक प्रोटीन है।
उसी तरह अगर हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशंस को चेंज कर दें, ठीक है, तब भी हमारे पास जो प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर भी इसमें आ सकता है, प्रोटीन जो है वो टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना कुछ फैक्टर्स हैं जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो प्रोटीन का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट्स में भी लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।